गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं जितेंद्र जाखड़, लेक्चरर जीपीसी झुंझुनू, आपका टीटीसी जोधपुर की ई लेक्चर क्लासेस के क्रम में पुनः स्वागत करता हूँ। हम ईएल 303 विषय के चैप्टर 1 पल्स मॉड्यूलेशन के बारे में बात कर रहे थे। पिछले लेक्चर में हमने सैम्पलिंग थ्योरम, क्वांटाइजेशन, क्वांटाइजेशन एरर, इन सब पॉइंट्स को डिस्कस किया था। पल्स कोड मॉड्यूलेशन के बारे में बात की थी हमने। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डेल्टा मॉड्यूलेशन। डेल्टा मॉड्यूलेशन जो है वो वन स्टेप मॉड्यूलेशन भी कहलाता है। इसको हम थोड़ा समझने का प्रयत्न करते हैं। द टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन वेयर द सैम्पलिंग रेट इज मच हायर एंड इन विच द स्टेप साइज आफ्टर क्वांटाइजेशन इज ऑफ अ स्मॉलर वैल्यू डेल्टा, सच ए मॉड्यूलेशन इज टर्म्ड एज डेल्टा मॉड्यूलेशन। क्या अभिप्राय इस लाइन का? इसका अभिप्राय यह है कि वह मॉड्यूलेशन जिसके अंदर की सैम्पलिंग रेट जो होती है वह बहुत अधिक होती है और जो स्टेप साइज होती है क्वांटाइजेशन के लिए वह बहुत ही स्मॉल होती है, उस प्रकार के मॉड्यूलेशन को हम डेल्टा मॉड्यूलेशन कहते हैं। अब हम फीचर्स ऑफ डेल्टा मॉड्यूलेशन को डिस्कस करेंगे। पहले पहला जो पॉइंट इसमें आता है वो है एन ओवर सैम्पल्ड इनपुट इज टेकन टू मेक फुल यूज ऑफ द सिग्नल कोरिलेशंस। कि यहाँ हम ओवर सैम्पल्ड जो कंडीशन है इनपुट सिग्नल की वह सिग्नल लेके चलते हैं। ओवर सैम्पल्ड से क्या अभिप्राय है? अपन ने सैम्पलिंग में पढ़ा था कि जब आपकी सैम्पलिंग जो रेट होती है वो ग्रेटर देन नाइक्विस्ट रेट है, ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ एफएम होती है, तो वह जो स्थिति होती है उसे हम ओवर सैम्पलिंग कहते हैं। नेक्स्ट जिसमें पॉइंट आता है वह है द क्वांटाइजेशन डिजाइन इज सिंपल। कि क्वांटाइजेशन की जो डिजाइनिंग इसमें है बहुत ही सिंपल है। सिंपल वन स्टेप इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट यहाँ पर फॉलो किया जाता है। द इनपुट सीक्वेंस इज मच हायर देन द नाइक्विस्ट रेट। इक्वेंट इनपुट जो सीक्वेंस हमारी है वह एफ एस जो है वो नाइक्विस्ट रेट की तुलना में बहुत अधिक होती है, क्वालिटी इसकी मॉडरेट होती है। द डिज़ाइन ऑफ द मॉड्यूलेटर एंड द डी मॉड्यूलेटर इज सिंपल, सिंपलेस्ट प्रोसेस है, इसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। सिंपल यह चेक करना है और आपको एक स्टेप अप या एक स्टेप डाउन करना है कंपेयर करके। द स्टेयर केस अप्रोक्सीमेशन ऑफ आउटपुट वेव फॉर्म, वही स्टेयर केस जैसे कि हमने पल्स कोड मॉड्यूलेशन पढ़ा था उसी प्रकार का इसमें आउटपुट होता है। सिंपल वन स्टेप का चेंज आता है। द स्टेप साइज इज वेरी स्मॉल सच दैट डेल्टा, स्टेप साइज क्योंकि हमने इसमें जो लेवल्स हैं वो बहुत अधिक लिए हैं इसलिए स्टेप साइज होती है वह काफी कम होती है। द बिट रेट कैन बी डिसाइडेड बाय द यूजर, कि बिट रेट जो है वो यूजर के द्वारा डिसाइड की जाती है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। दिस इन्वॉल्व सिंपलर इम्प्लीमेंटेशन, कि बहुत ही सिंपल इम्प्लीमेंटेशन होता है, इसको बनाना बड़ा ही सिंपल नेटवर्क इसमें डिजाइन किया जाता है। डेल्टा मॉड्यूलेशन इज अ स्पेसिफाइड फॉर्म ऑफ डीपीसीएम टेक्निक। डिफरेंशियल पल्स कोड मॉड्यूलेशन जो टेक्निक है उसका एक सिंप्लीफाइड वर्जन, उसका एक आसान रूपांतरण इसको कहा जा सकता है और इसे हम वन बिट डीपीसीएम भी कहते हैं। कि वन बिट का डिफरेंशियल पल्स कोड मॉड्यूलेशन यहाँ पर हो रहा है। एज द सैम्पलिंग इंटरवल इज रिड्यूस्ड द सिग्नल कोरिलेशन विल बी हायर। कि जितना ज़्यादा इसके अंदर सैम्पलिंग इंटरवल आप उसको रिड्यूस करके जो स्टेप साइज है उसको रिड्यूस करोगे उतना ही हमारा सिग्नल का कोरिलेशन जो है वो इंक्रीज होता है। अब ये जो डायग्राम है ये आपका सर्किट डिफाइन करता है डेल्टा मॉड्यूलेटर का, कि डेल्टा मॉड्यूलेशन किस प्रकार से होता है। इसके अंदर आपका एक वन बिट क्वांटाइजर है, आपका एक समर है स्टार्टिंग के अंदर, डिले सर्किट एक समर है जो कि इंटीग्रेटर की भांति कार्य करता है। इसमें अगर सर्किट को हम समझने का प्रयास करें तो यहाँ से हम ओवर सैम्पल्ड इनपुट जो हमारा सैम्पलिंग के पश्चात प्राप्त हुआ है उसे समर सर्किट पे देते हैं और यहाँ से आपका रिवर्स होके डिले सर्किट जो इंटीग्रेटर भी है इसका, ये जो एक्यूमुलेटर जिसे कहा गया है, यह यहाँ से सिग्नल यहाँ प्रदान करता है और यहाँ इन दोनों सिग्नल्स को कंपेयर किया जाता है। कि आपका जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल जो सैम्पल्ड सिग्नल है इनिशियल जो से एक स्टेप पहले वैल्यू आई थी क्वांटाइज्ड वैल्यू, वो क्वांटाइज जो आउटपुट है उसको जिसे कि हमने पहले जब पल्स कोड मॉड्यूलेशन पढ़ा था एमक्यूटी के नाम से, उस सिग्नल को कंपेयर किया जाता है हमारे सैम्पल सिग्नल के साथ में और उस कंपेरिजन के हिसाब से हमारा एक एरर सिग्नल जनरेट होता है।
उस सिग्नल को हम 1 बिट क्वांटाइजर पे सेंड करते हैं, और ये 1 बिट क्वांटाइजर जो है वो इन दोनों के आउटपुट के हिसाब से इस EPNTS को कंपेयर करके और हमारे जो क्वांटाइज सिग्नल को 1 स्टेप इंक्रीज या 1 स्टेप डिक्रीज कर देता है। बिल्कुल ये सिंपल वर्किंग है इसके अंदर, और बस इन दोनों के कंपैरिजन के अकॉर्डिंग यह आउटपुट प्रदान करता है। अब इनकी क्या वैल्यूज़ को हम देखने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे XNTS जो है, जिसको कि यहाँ पे साफ लिखा हुआ है, ये एक ओवर सैम्पल्ड इनपुट सिग्नल है। EPNTS जो हमारा यहाँ पे आ रहा है, यह समर आउटपुट एंड क्वांटाइजर का इनपुट है। यहाँ पर इन दोनों का जो हमारा एक्यूमुलेटर, या इसको इंटीग्रेटर भी कह सकते हैं इसे आप, और जो हमारा इनपुट है उनको कंपेयर करके और क्वांटाइजर के इनपुट में प्रदान करता है। EQNTS जो हमारा है, ये हमारा क्वांटाइजर का आउटपुट है, जो कि हमें DM मॉड्यूलेटेड सिग्नल जो मिलता है वह है, उसी को हम फीडबैक देके वापस यहाँ पे प्रदान कर रहे हैं। XCAPNTS जो हमारा है, आउटपुट ऑफ द डिले सर्किट है, डिले सर्किट से जो हमें आउटपुट प्रदान हो रहा है वह है, और UNTS जो हमारा है वो इनपुट ऑफ द डिले सर्किट है। तो सिंपल इसको हम वापस फीडबैक दे रहे हैं, और यहाँ से हम इसको वापस इनपुट पर ले जाके कंपेयर करवा रहे हैं। कंपेरिजन के अकॉर्डिंग हम ये देखते हैं कि यदि यह जो इनपुट सिग्नल है वह अधिक है तो हमारा 1 स्टेप अप हो जाएगा, और यदि यह है कम है तो 1 स्टेप डाउन हो जाएगा। ये इसकी वर्किंग होती है। इसको हम अब ग्राफ के हेल्प से समझने का प्रयास करते हैं कि यह किस अकॉर्डिंग कार्य करता है। तो यहाँ हम इसको देखने का प्रयत्न करते हैं, डेल्टा मॉड्यूलेटर सिग्नल कैसे हमें प्राप्त हो रहा है। ये हमारा एनालॉग इनपुट जो हम प्रदान कर रहे हैं वो हो गया है यहाँ पर, और ये हमारी सैम्पलिंग है। ये हमारा डेल्टा जो हम स्टेप साइज ले रहे हैं, बहुत ही स्मॉल साइज लेके चलते हैं इसके अंदर, जैसे कि हमने पहले ही पढ़ा, और ये हमारा स्टेयरकेस फंक्शन यहाँ पे जनरेट हो रहा है। तो यहाँ क्या है, ये जो आउटपुट जो हमारा क्वांटाइज सिग्नल आ रहा है, इसको हम सिग्नल से कंपेयर करते हैं। कंपेरिजन में समर में हम ये चेक कर रहे हैं कि यदि इसका मान कम है तो हम 1 स्टेप इंक्रीज कर देते हैं, पुनः नेक्स्ट लेवल पे फिर चेक करते हैं हम 1 स्टेप, अगर फिर कम है तो उसको फिर 1 स्टेप इंक्रीज कर देते हैं, और फिर वापस हमने इसको चेक किया कि ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट आ गया तो फिर 1 स्टेप इंक्रीज कर दिया। इस तरीके से ये इंक्रीमेंट हमारा चलता रहेगा। कब तक चलेगा? जब तक आप इसको एक वैल्यू देखेंगे कि हमारा क्वांटाइज सिग्नल जो है हमारे इनपुट सिग्नल से अधिक हो गया है। तो जैसे ही अधिक होगा, इस बार हमारा 1 बिट क्वांटाइजर क्या करेगा, इसको 1 बिट डाउन कर देगा, फिर दोबारा चेक करेगा तो 1 बिट डाउन। इस तरीके से ये इसको वापस से ग्राफ में आप देख सकते हैं कि 1 बिट डाउन करते हुए आ रहा है। कब तक करते हुए आ रहा है? जब वापस से हमारा जो सिग्नल है ये यहाँ पे इससे नीचे चला गया है, और इसकी वैल्यू जो है क्वांटाइज सिग्नल की, ये हमारे इनपुट सिग्नल से कम हो गई है, तो ये पुनः इसको 1 स्टेप इंक्रीज कर रहा है। तो ये इस तरीके से इसको 1 बिट के अंदर मूवमेंट ऊपर नीचे हो रहा है इसके अंदर। फिर वापस जैसे हमारा इनपुट सिग्नल इंक्रीज हो रहा है, हमारा जो क्वांटाइजेशन आउटपुट है वापस 1 बिट क्वांटाइजर का 1 बिट इंक्रीमेंट होना प्रारंभ हो गया है। तो इस प्रकार से दोनों सिग्नल को समर से कंपेयर करके 1 बिट क्वांटाइजर जो है वो आउटपुट प्रदान करता है, 1 बिट अप या 1 बिट डाउन। इसको हम स्टेयर केस फंक्शन बोलते हैं, और इसके अकॉर्डिंग ये हमारा सैम्पलिंग पीरियड हो गया है TS। यहाँ पर हमारा डेल्टा मॉड्यूलेटेड आउटपुट आ गया है। जैसे जब इसकी स्टेप 1 इंक्रीज हो रही है तो हमारा आउटपुट 1 में आ रहा है, 1 1 1 1 जब तक इंक्रीज हो रहा है। जैसे ये डाउन होने लग गया है तो आउटपुट हमारा 0 0 0 0 0 इस अकॉर्डिंग आ रहा है। तो हमारा आउटपुट 1 और 0 की फॉर्म में आ रहा है। अगर इंक्रीमेंट चल रहा है तो उसको हम 1 चलते जाएंगे, और डिक्रीमेंट चल रहा है तो उसको 0 दे दें, फिर वापस जैसे 1 और 0। तो यहाँ से हम डिफाइन कर सकते हैं कि जब तक ये कंटिन्यूस 1 आ रहा है, इसका मतलब हमारा फंक्शन इंक्रीज हो रहा है, और जब सारा कंटिन्यूस हमारा 0 आ रहा है तो हम कह सकते हैं कि ये कंटिन्यूसली 1 स्टेप रिड्यूस हो रहा है, और जब ये 1 और 0 अल्टरनेट चल रहा है, इसका मतलब हमारा सिग्नल 1 स्टेप इंक्रीज और 1 स्टेप डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ हम जब आउटपुट पे इसको कंपेयर करते हैं, इस आउटपुट को, उसके हिसाब से हम वापस हमारा ये स्टेयरकेस फंक्शन जनरेट कर पाते हैं। अब हम एक बात उसमें देखना चाहेंगे, इस स्टेयरकेस फंक्शन में 2 एरर्स यहाँ लिखी हुई हैं। एक तो लिखी हुई है स्लोप ओवरलोड नॉइस, और एक लिखी हुई है क्वांटाइजेशन नॉइस। स्लोप ओवरलोड नॉइस क्या है कि हमारा जो इनपुट फंक्शन है वो बहुत ही रैपिडली इंक्रीज कर रहा है, उसके कंपेरिजन में हमारा जो डेल्टा मॉड्यूलेटेड आउटपुट है, स्टेयरकेस फंक्शन है, वो बहुत ही स्लोली मूवमेंट कर रहा है स्टेयरकेस फॉर्म में। तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है, ये डिफरेंस जो हम डार्क यहाँ पर देख पा रहे हैं, यह बहुत अधिक आ रहा है, इसको हम रिकवर नहीं कर पाते हैं। तो ये जो लॉस होता है हमारा यहाँ पे, तो ड्यू टू हाई रिस्पॉन्स और यहाँ पे ड्यू टू लो
बहुत ही तेजी से रिड्यूस हो रहा है तो ये ऊपर दिखा रहा फंक्शन। तो दोनों ही कंडीशंस के अंदर जो इस प्रकार का जो लॉस होता है उसे हम स्लोप ओवरलोड नॉइस कहते हैं। और क्वांटाइजेशन नॉइस क्या है कि फंक्शन के साथ में जो हमारे जो हमने स्टेप लिए उनके अंदर जो डिफरेंस आ रहा है, जो हमने क्वांटाइजेशन एरर की बात की थी डेल्टा बाई टू या एस बाई टू, वो जो नॉइज होती है वो हमारी क्वांटाइजेशन नॉइज कहलाती है। अब इसके कुछ जो पॉइंट्स हैं नॉइज़ के क्वांटाइजेशन एरर्स के बारे में, बेसिकली मेन तो मुख्य रूप से दो प्रकार के हैं। पहला तो हमने पढ़ा है द स्लोप ओवरलोड डिस्टॉर्शन, जो कि किस कारण से होता है। इट अकर्स व्हेन द स्टेप साइज इज टू स्मॉल रिलेटिव टू लोकल स्लोप कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इनपुट वेव फॉर्म, कि हमारी जो इनपुट वेव फॉर्म थी उसका स्लोप तो बहुत ज़्यादा है लेकिन हमारा जो स्टेप साइज है वो बहुत ही स्मॉल है, धीरे धीरे मूवमेंट कर रहा है, और जो ग्राफ है वो बड़ी तेजी से मूवमेंट ऊपर कर रहा है इनपुट फंक्शन का। और दूसरे जो प्रकार का नॉइज़ होता है वो होता है ग्रेनुलर नॉइज़। ग्रेनुलर नॉइज़ क्या होती है हमारी, इट अकर्स व्हेन स्टेप साइज इज टू लार्ज रिलेटिव टू लोकल स्लोप कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इनपुट वेव फॉर्म, कि आपके इनपुट वेव फॉर्म बिल्कुल लीनियर मूवमेंट कर रही है लेकिन आपका जो स्टेप साइज है वो ज़्यादा मूवमेंट कर रहा है, तो वो जो हमारी नॉइज़ आती है उसको हम ग्रेनुलर नॉइज़ कहते हैं। ये दो प्रकार के नॉइज़ हमारे डेल्टा मॉड्यूलेशन के अंदर प्रभावी रहती है। अब हम एडवांटेजेस ऑफ डेल्टा मॉड्यूलेशन के बारे में बात करेंगे कि हमारे इसमें क्या क्या एडवांटेजेस हैं। तो पहला एडवांटेज हमारा जो आता है वह है इट वॉज फाउंड दैट एट लो बिट रेट डेल्टा मॉड्यूलेशन इज बेटर देन द स्टैंडर्ड पल्स कोड मॉड्यूलेशन, कि जब आपकी बिट रेट लोअर रहती है तो पीसीएम की तुलना में हमारा डेल्टा मॉड्यूलेशन ज़्यादा प्रभावी या ज़्यादा बेटर रहता है। इन अ डेल्टा मॉड्यूलेशन सिस्टम ऑपरेटिंग ऑफ ऑन वॉइस सिग्नल अंडर ऑप्टिमम कंडीशन द सिग्नल टू नॉइज रेशियो इज इंक्रीज बाय 9 dB बाय डबलिंग द बिट रेट, कि हमारा सिग्नल टू नॉइज रेशियो को आप ज़्यादा बढ़ा पाते हैं। दूसरा जो एडवांटेज इसका आता है कि सिग्नल टू नॉइज रेशियो इंक्रीज होने के कारण विद बिट रेट मोर ड्रामेटिक फॉर पल्स कोड मॉड्यूलेशन देन द डेल्टा मॉड्यूलेशन, कि डेल्टा मॉड्यूलेशन में हमारा सिग्नल टू नॉइज रेशियो ज़्यादा इंक्रीज होता है। देयरफॉर दिस मॉड्यूलेशन इज रिकमेंडेड ओनली इन सर्टेन स्पेशल सर्कमस्टेंसेस सच एज व्हेन इट इज़ नेसेसरी टू रिड्यूस द बिट रेट बिलो 40 kbps, कि आपको जब बिट रेट 40 kbps से रिड्यूस करनी है तो हमारे लिए डेल्टा मॉड्यूलेशन ज़्यादा बेटर होता है। दिस मॉड्यूलेशन मेथड इज यूज इफ एक्सट्रीम सर्किट सिंप्लिसिटी इज ऑफ ओवर राइडिंग इंपॉर्टेंस एंड द अकम्पेनिंग यूज ऑफ ए हाई बिट रेट इज एक्सेप्टेबल, कि आपको जब सर्किट के अंदर कॉम्प्लेक्सिटी बिल्कुल सिंपल सर्किट चाहिए और थोड़ा बहुत आप उसको मैनेज कर सकते हो एरर्स को, तो उसके लिए डेल्टा मॉड्यूलेशन बहुत ही बेटर ऑप्शन होता है। डेटा मॉड्यूलेशन वर्क्स विथ लोअर चैनल बैंडविड्थ, कि बैंडविड्थ जो चैनल की रिक्वायरमेंट है वो बहुत ही कम होती है। दिस मेक्स द सिस्टम कॉस्ट इफेक्टिव एंड सिंपल टू इम्प्लीमेंट, चूँकि बैंडविड्थ बहुत कम चाहिए तो सिस्टम को बनाना भी ईजी हो जाता है और कॉस्ट इफेक्टिव भी रहता है हमारे लिए। द फीडबैक मैकेनिज्म प्रेजेंट इन दिस मॉड्यूलेशन सिस्टम इंश्योर द क्विक एंड रोबस्ट डिलीवरी ऑफ डेटा बिट्स, क्योंकि हमने इसमें फीडबैक सिस्टम लगा रखा है, आउटपुट से हम वापस फीडबैक लेके इनपुट पे कंपेयर करवा रहे हैं, तो यह है जो हमारा है डिलीवरी ऑफ डेटा बिट्स को ज़्यादा रोबूस्ट अच्छा बनाता है। अब हम डेल्टा मॉड्यूलेशन के कुछ एप्लीकेशंस के बारे में यहाँ बात करेंगे। पहली एप्लीकेशन जो इसमें आती है वो आती है वॉइस ट्रांसमिशन सिस्टम्स सच एज टेलीफोन एंड रेडियो कम्युनिकेशन हाईली प्रिफर दिस मॉड्यूलेशन टेक्निक्स, कि आपके टेलीफोन और रेडियो कम्युनिकेशन के अंदर जहाँ वॉइस ट्रांसमिशन हो रहा है वहाँ ये जो मॉड्यूलेशन टेक्निक है हमारी डेल्टा मॉड्यूलेशन उसको ज़्यादा प्रिफर किया जाता है। डेल्टा मॉड्यूलेशन इज मोस्ट यूजफुल इन सिस्टम वेयर टाइमली डेटा डिलीवरी एट द रिसीवर इज मोर इम्पॉर्टेंट देन द डेटा क्वालिटी, क्योंकि हमें पता है कि ड्यू टू स्लोप ओवरलोड नॉस जो नॉइज़ थी हमारी या ग्रैनुलर नॉइस है हमारी, तो उसमें लॉसेस तो हैं बट चूंकि 1 bit ही ट्रांसमिट हो रहा है तो हमारा जहाँ पे भी ऐसा सिस्टम डेवलप करना है जहाँ पे टाइमली डेटा डिलीवरी हो, डेटा डिलीवरी बिल्कुल एक्यूरेट हो, टाइम पर हो, उस सिस्टम के अंदर हमारा ये डेटा मॉड्यूलेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डेटा क्वालिटी चाहे रिड्यूस हो जाओ लेकिन हमें टाइम पे डिलीवरी चाहिए, उस प्रकार के नेटवर्क के अंदर यह एक अच्छा ऑप्शन कहा जाता है। दिस मॉड्यूलेशन इज अप्लाइड टू ECG वेवफॉर्म फॉर डेटाबेस रिडक्शन एंड रियल टाइम सिग्नल प्रोसेसिंग,
ईसीजी मशीन्स के अंदर जब आपको रियल टाइम सिग्नल प्रोसेसिंग करनी होती है और डेटाबेस को रिड्यूस करना होता है, तो वहाँ हमारा ये डेल्टा मॉड्यूलेशन काम में लिया जाता है। फॉर एनालॉग टू पीसीएम एनकोडिंग दिस मॉड्यूलेशन मेथड इज यूज्ड, कि जब आप एनालॉग सिग्नल को पीसीएम में एनकोड करते हो तो वहाँ भी हमारा यही मॉड्यूलेशन ज़्यादा काम में लिया जाता है। और साथ ही साथ हमारा ये जो डेल्टा मॉड्यूलेशन है यह टेलीविजन सिस्टम्स में भी काम में लिया जाता है। तो ये एप्लीकेशंस हुई इसकी। तो हमने यहाँ क्या समझा कि डेल्टा मॉड्यूलेशन जो हमारा है वो 1 बिट मॉड्यूलेशन है, सिंप्लीफाइड है, एरर ज़रूर इसमें आती है स्लो पावर लोड की और ग्रेनुलर नॉइस की, बट जहाँ आपको सिंप्लीफाइड एप्लीकेशन काम में लेनी है, थोड़ा बहुत डेटा पे आप क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ कर पाते हैं, वहाँ ये एक अच्छा ऑप्शन हमारा कहा जा सकता है।